गाइस ये चेक करें क्या है हमारे हाथ में, फाइनली हमारा। सो हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल एंड टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक बैड न्यूज के साथ। वो ये है कि अभी टाइम हो चुका है 7:17 अराउंड। मैं स्कूल के लिए गया था सुबह सुबह, उठती थी बॉडी पेन हो रहा था, बट फिर भी रेडी होकर मैं चला गया था स्कूल। सो मैं अराउंड थोड़ा सा आगे पहुंचा था तो बहुत दर्द हो रहा है कमर में भी, पैर में भी। सो इसलिए मैं आ गया हूँ, अभी वापस आज के लिए भी लेनी पड़ेगी। फुल बॉडी पेन हो रहा है, कल बारिश में भीग गया था शायद उस वजह से। सो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर उठने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी रेस्ट वेस्ट करने के बाद मैं जस्ट अभी उठा हूँ, अब कुछ बेटर फील हो रहा है क्योंकि दवाई वगैरह खा के मैं सो गया था। सो इफेक्ट वगैरह हुआ है दवाई का, सो अब कुछ रिलीफ है। थोड़ा बहुत बैक में पेन है, सो वो भी ठीक हो जाएगा शायद। बाकी टाइम हो चुका है 1:20 और मैं आपको दिखा देता हूँ जो किचन का काम चल रहा था उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँच गई है। सो अभी अंकल ने रैक वैक बना के तो रेडी कर दी थी, अब दिखाती हूँ। तो अभी पहले तो यहाँ पर अंकल रेडी हो चुकी है हमारे बॉक्सेस, ये सिलेंडर और ये सब है, और अभी फिट होना है यहाँ पर। अंकल थोड़ा सा ये सब यहाँ से क्लियर कर रहे हैं बिकॉज वो आ नहीं पा रहा है साइज, मीन्स थोड़ा बहुत प्लास्टर हटाएंगे ये क्लियर हो जाए, उसके बाद ये लग जाएगा, फिर आपको दिखाते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद शायद अभी हाँ थोड़ी देर बाद हमारा व्लॉगिंग किट आने वाली है, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैंने व्लॉगिंग किट मंगाई है। सो वो भी आ जाएगी अभी थोड़ी देर बहुत देर बाद। और ये चेक करें अभी वहाँ पर इतना वो वुड वगैरह घिसी थी ना, सो उसका पाउडर इतना ज़्यादा हो रहा है, बस हाथ ही रखा था इतना सब हो जाए। सो हेलमेट वगैरह करते हैं, ऑर्डर आ जाए तो फिर मिलते हैं आपसे। गाइस ये चेक करें क्या है हमारे हाथ में, फाइनली हमारा व्लॉगिंग किट आ चुकी है। करते हैं इसको खोलते हैं, इनबॉक्स करते हैं इसे। ऐसे खोल बोलूँ फिर मिलता हूँ आपसे। गाइस इतनी खुशी हो रही है, ये चेक करें हमारा पूरा सेटअप लग चुका है यहाँ पे व्लॉगिंग किट का। फ्लैश लाइट, माइक, ट्राईपॉड, ये कितना सेट लग रहा है गाइस, और उसमें फ़ोन लगने के बाद तो क्या ही कहने। सो अभी मेरे हाथ में इस टाइम तो आईफोन से लॉक कर रहा हूँ मैं पापा के, बिकॉज मम्मी वाला जो मतलब जिससे मैं इस टाइम लॉक कर रहा हूँ करंट में सेकंड, ये तो थर्ड है, जो सेकंड वाला है बहुत चुरा रहा है, जो सेकंड वाला है वो उसमें मम्मी कर रही है बात, तो वाला भी बिजी है। बस वो फ्री होते ही मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कैसा आ रहा है इससे एंगल। तो थोड़ी सी देर का इंतजार मुझे भी और आपको भी, फिर दिखाते हैं आपको। सो गाइस फाइनली ये व्लॉग, ये जो पीछे का पूरा वाइड एंगल आ रहा है, ये आ रहा है हमारे ट्राईपॉड से जो मैंने अभी आपको दिखाया था। सो ऑडियो भी बताइएगा कैसी आ रही है, आई होप ये ऑडियो अच्छी आ रही होगी। और मैं इसकी शक्ल दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार मिरर में, कुछ ऐसा लग रहा है ये। ये माइक, फ्लैशलाइट और ये मोबाइल के लिए ट्राईपॉड। फ्लैशलाइट में थ्री मोड्स हैं, लो, हाई, वेरी हाई। सो वो सब है और ऑडियो मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल थोड़ा सा माइक को नीचे शिफ्ट करके चेक करते हैं फिर ऑडियो कैसी आ रही है, एक मिनट बस। यस गाइस अभी आ चुका है हमारा माइक थोड़ा और नीचे क्योंकि मैंने फ्लैशलाइट निकाल दिया, अभी उसकी नीड नहीं है, डे टाइम हो रहा है तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है माइक और खाली ये। सो यही सही है, जब नाइट को ब्लॉक कर रहे होंगे कहीं पे सो फ्लैशलाइट लगा लेंगे, अभी तो कोई नीड नहीं है। और मुझे तो मस्त लग रहा है एंगल, आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। साथ ही साथ इसमें 180 डिग्री रोटेशन भी है, सो हम लोग कुछ शॉट्स अच्छे भी ले सकते हैं, जैसे कि ये डाउन हो गया फुल, उसके बाद अब करते हैं इसे और जाएगा अभी और जाएगा, बट हाथ में कैसे लेके जाऊं खैर कोई नहीं, ट्राई इसको आप लोगों को ट्राईपॉड पर रख के दिखाते हैं। ये चेक करें अभी आ चुका है ट्राईपॉड पर एंगल ऊपर। सो अब हमें अगर कुछ थ्योरी वाली वीडियो जैसे कुछ बनाना हो सो वो सब हम बना सकते हैं। और हाथ में ये रहा इसका रिमोट छोटा सा, सो ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, ये जो बटन आप लोग इसमें देख रहे हैं ना ये वाला, इससे ये वीडियो में स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकता हूँ। सो अभी करके दिखाता हूँ, ये बटन दबाऊंगा, वैसे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगी क्योंकि मैं एडिट करूंगा सो वो एक साथ मर्ज होके आएगी, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस अभी ये वीडियो जस्ट मैंने स्टार्ट करी थी डायरेक्ट इस बटन से, सो वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और ऑडियो क्वालिटी आई होप कि थोड़ी बेटर आ रही होगी।
और अब माइक थोड़ा दूर था, अब और पास आ गया है। सो अब और बेटर आ रही होगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, और आई होप कि हमें आगे बहुत हेल्प करेगा ये ब्लॉगिंग किट। प्लस अभी थोड़े टाइम बाद हमारे पढ़ने वाले वैकेशन, सो वो भी जो है वहाँ पे भी हमारे ब्लॉग्स तो बनेंगे, कहीं ना कहीं बाहर जाना हो गई, सो वहाँ के ब्लॉग्स भी बनाने हैं। सो उसमें भी बहुत वर्क आएगी है, बहुत वर्क आएगी, मतलब बहुत काम आएगी हमारे। और सो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, ज़रा नमाज़ वगैरह पढ़ लें, खाना वाना हो जाए, फिर मिलते हैं आपसे। और अभी थोड़ा बिल्कुल फ़िलहाल तो मीन्स कहीं पर बॉडी पेन नहीं हो रहा है मेरे, आई होप कि अब ना ही हो। और यस एक चीज़ और कि चलिए थोड़ी देर बाद बताता हूँ, एक सरप्राइज़ के तौर पे, सरप्राइज़ के आप लोग के लिए ब्लॉग में पता लग जाएगा, कुछ लोग सेकंड्स आगे करके भी देख लेंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, फिलहाल बताएंगे। वैसे भी थोड़ी देर बाद सो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, खाने पे मिलते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको बात। बिल्कुल बैठा हुआ माहौल में, सो साइड में तो विंडोज़ ही है ना, ये वो वाली विंडो, सो वहाँ से बहुत ज़्यादा शोर वगैरह आता है। ये सब जो मैंने फैला रखा है यहाँ पर, ये सब जल्दी से इस सब को भी क्लियर करते हैं, साफ ऑफ कर देते हैं जल्दी से, मिलते हैं। और गाइज ये जो रिमोट वाला फीचर है ना, चलिए चलकर मम्मी को भी दिखा कर आते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा। मम्मी कुछ बता दी शायद अभी अंकल को, सो गाइज अभी दिखाते हैं मम्मी को। मम्मी ये देखिए ये रिमोट पकड़ लिया हाथ में, कैमरे में दिखाइए ये है, अभी देखिए इसका बटन दबाएंगे आप तो ये वीडियो बंद हो जाएगी, दबाइए कैमरा में दिखाते हैं। देखिए वीडियो बंद हो गई थी ना, तो वापस ऑन हुई है। सो गाइस हैंड प्रूफ, तो मम्मी कैसा लगा ये फीचर कि अब मैं इस रिमोट से वीडियो ऑन हो सकती है, और ब्लॉगिंग किट बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। सो अभी पापा और आज फिर पापा को भी दिखाते हैं। तो अभी लग चुका है खाना, और आज खाने में है बिरयानी, बुलंदशहर मोस्ट फेमस इदरीस की बिरयानी, because as you all know that किचन में चल रहा है काम, सो वहाँ पे खाना वाना बनना बहुत मुश्किल है। सो फिलहाल खाते हैं बिरयानी टेस्टी से, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज अभी पापा आ चुके थे, और मैंने पापा को भी दिखा दिया है व्लॉगिंग किट। सो पापा से पूछते हैं कि पापा को कैसे लगा, पापा को कैसे बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये व्लॉगिंग किट सबको पसंद आ रही है, और शायद कल या परसों में दादू अभी आ जाएंगे, फिर उनको भी दिखाते हैं, उनसे भी पूछेंगे, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। सो गाइस अब मैं बना रहा हूँ व्लॉग बहुत देर बाद, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद सो गया था, और जस्ट अभी अभी उठा हूँ तो शूट कर रहा हूँ बेड पर लेटे लेटे, बिकॉज तबीयत फिर से ख़राब हो रही है, सही सा नहीं लग रहा, और अभी हो रहा है बॉडी पेन, सो मैं लेट गया हूँ आराम से। और जो है अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद के मम्मी नमाज़ पढ़ लेंगी, उसके बाद फिर मम्मी दूध वगैरह दे देंगी, वो सब पीते हैं। और मम्मी और पापा जा रहे हैं दादू के फ्रेंड के घर पर, बिकॉज दादू तो है नहीं इस टाइम, और वहाँ पर है उनका एक फंक्शन, सो वहाँ पर जाना ज़रूरी है। मेरे मैं भी जाता कि मेरी तबीयत सही होती, बट तबीयत कुछ सही लग नहीं रही, सो मैंने मना कर दिया है, कह तो नहीं कि मम्मी भी बहुत, सो मैंने बट फिर भी मना कर दिया, रेस्ट करेंगे हम लोग तो, मम्मी पापा हो जाएंगे। और मम्मी पापा जा रहे हैं, वैसे तो खाना वगैरह सब कुछ बना हुआ ही था घर पर, बट मैं मम्मी से पूछ कर ले आया हूँ मैगी, सो मम्मी मैगी बनना चाहेंगे या फिर आके बनाएंगे, अभी जब बिजली होगा मेरा भूख लगेगी तब। वैसे तो हम लोग मैगी खाते नहीं हैं, लिटरली मैं जब से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ तब से अभी तक एक भी बार हम लोगों ने शायद मैगी नहीं खाई है, हाँ मैगी नहीं खाई है तब से हमने। और जस्ट अभी मैं लेकर आया हूँ मम्मी से पूछ पूछ के, मैगी कभी कभार तो चल जाती है, जैसे कि मैं बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ, सो अभी मैगी वगैरह बन जाएगी बाद में, जब मेरे को जब मैं भूख लगेगी, तो अभी मम्मी पापा रेडी हो जाएं, फिर आपको दिखाते हैं, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस अभी मम्मी पापा भी आ चुके हैं वापस, सो और अब हम लोग बनवाते हैं अपनी मैगी, चलते हैं किचन में, वहीं पर ही बनेगी मैगी। सो गाइस अभी मम्मी पापा, अभी फाइनली मम्मी पापा आ चुके हैं वापस, सो वहाँ पर फंक्शन था, सो वहाँ से आ चुके हैं अभी वापस। ये रही मम्मी, पीछे सब कुछ फैला हुआ है बिकॉज घर में चल रहा है काम, और हमारी मैगी उसे बनाएंगे, फ्राई पैन वगैरह आज जल्दी से। मैगी के लिए गाइस सबसे पहले चढ़ाएं आप पानी, दोनों देते हैं मैगी का, मैगी बनाने के लिए आपको पता है
only 2 minutes. ओ गाइस आज हमारी गाले जो है 2 मिनट में आई बच्चों की बहार स्लाइड क्या कहते हैं स्लाइडर्स हाँ स्लाइडर्स लग चुके हैं ये दो बाकी कल लग जाएंगे मैगी ये हमारी एक पैकेट ये रहा एक ये रहा इसे भी डालते हैं अभी और अभी वेट करते हैं इसके रेडी होने का हम चलते हैं कमरे में मल जाएंगे भी बना के और ये चेक करें कौन बैठा है यहाँ पर चप कैसे दिखाऊंगा इस चप्पलों में बैठी ये चेक करें असल में एसी नहीं चल रहा था ना इस रूम का सो इसलिए बाहर बैठ गई क्योंकि बाहर फ्लोर पे लगा हुआ है मार्बल वो रहता है ठंडा सो इसलिए बाहर बैठ गई और दूर ज़्यादा इसलिए नहीं बैठी क्योंकि आइट साइड थोड़ी बोल सी हो रही है यहाँ पर क्लियर एंड क्लियर था सो वहीं पर जाके बैठी है और ये चेक करें यहाँ पर किट्टी आई हुई है किट्टी मस्त खाना खा रही है ये चेक करें हमारी भी मैगी आ जाए फिर हम भी अपना मैगी खाते हैं मीन्स हाँ सी आई डी चल रहा है पीछे हाँ अपना क्या कहते हैं डिनर करते हैं ये चेक करें गाइस हमारी मैगी अभी रेडी हो रही है ये देखिए मसाला वसाला सब कुछ डाल दिया मम्मा ने खोल भी रही है जल्दी से रेडी हो जाएगी वेट नहीं हो रहा क्या चीज नहीं पापा नहीं थे मैं आया था अभी आपने फाइनली अभी मम्मी ले आई है हमारी मैगी रेडी हो चुकी थी और मम्मी लेकर आ चुकी है ये चेक करें प्लेट में सर वो करा चुकी है मैगी और दूसरी प्लेट में खाने के लिए खाने तो खैर मुझे ये पूरी बट दूसरी प्लेट में निकाल कर खाएंगे विद मैनर्स खाते हैं ट्राइपॉड का मस्त फायदा हो रहा है पहले टेस्ट करके आप लोगों को बता देते हैं स्टोरी गाइस मैगी वैसे तो मैगी का एक टेस्ट होता है बट जब मम्मी बनाती है तो टेस्ट तो अलग ही आता है मम्मी के हाथ का टेस्ट है वो सो मस्त स्टोरी है खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे सो फाइनली अभी हम लोगों ने नमाज वगैरह भी पढ़ ली है और नमाज वगैरह पढ़ ली थी उसके बाद सब लोग लेट चुके हैं अभी उधर मम्मी पापा सब लोग से मतलब मम्मी पापा लेट चुके हैं और बस जल्दी से हम लोग भी एंजल का टब साफ करते हैं फिर हम भी लेट जाएंगे और इस व्लॉग को करते हैं एंड और कल आ रहे हैं हाँ हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कल्याण के एक हाईली पोस्ट मेंबर आ रही हैं मींस आप लोग समझ ही गए होंगे वैसे मैं बता देता हूँ नेम मिस स्मृति रानी जी सो कल वो आ रही हैं उनका है यहाँ पर रोड शो सो ट्राई करेंगे कि हो सकता है हो तो उनके साथ शॉट वगैरह ले लें और साथ में एक फोटो मिल जाए तो थंबनेल मिल जाएगा बाकी देखते हैं कल क्या होता है जैसा भी होगा वैसे तो बहुत ज़्यादा रश होगा सो चेक करेंगे जैसा भी होता है कल पता लगेगी फिलहाल करते हैं इस व्लॉग को एंड सो आई होप कि आपको नए एंगल नया माइक नई ऑडियो के साथ व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या प्यारा लगा हो सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।